सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला नजर मारदे हां सुर्खियां दे वल। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 186 मौतां होईयां, 4124 नवे केस आए सामने। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिद्धू ने बच्चों विच नमूनिया दे समय सिर जांच अते इलाज लई सांस मुहिम दी कीती शुरुआत। पंजाब लई राहत दी खबर। 1954 विच बने आक्सीजन प्लांट नूं मुड़ कीता गया चालू। पंजाब दे मरीजां नूं मिलेगी आक्सीजन। विस्तार दे नाल पंजाब विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 186 मौतां होईयां ने, जदों की 4124 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण एक्टिव मरीजां दी गिनती 5549 हो गई है, जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजां दी गिनती 552235 हो गई है, जदों की 487859 मरीज ठीक होके घरां नूं परत चुके ने। सेहत अते परिवार भलाई मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने बच्चों विच नमूनिया दे समय सिर जांच अते इलाज दी सांस मुहिम दी शुरुआत कीती। सिद्धू ने कहा कि घट दरमियाने ते गंभीर नमूनिया कारण कोविड पीड़ित बच्चे दी सहरोगी वाली स्थिति बन सकती है, जिस नाल ओह दम तोड़ सकदा है। देश विच बच्चों दी मौत दर दा सब तो वड्डा कारण नमूनिया है अते बच्चों दी लगभग 15% मौत नमूनिया कारण हुंदी है। सेहत मंत्री ने कहा कि नमूनिया कारण हो रही मौतां रोकियां जा सकदियां ने जे असीं समय सिर नमूनिया की जांच अते इलाज करवा लेंदे। हालांकि पंजाब विच बच्चों की मौत दर देश दे बाकी हिस्सों नालों घट है, पर पंजाब सरकार नमूनिया नाल होने वाले बच्चों की मौत नूं काबू करन अते इस तों भी वधिया सेहत नतीजिया नूं यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध है। नंगल तो उस वेले सब तो वड्डी ते राहत वाली खबर सामने आई, जदों ये पता चलिया कि सन 1954 विच बने आक्सीजन प्लांट जो 11 साल पहला बंद कर दिता गया सी, उसनू मुड़ चालू किया गया। BBMB वालों उस विच आक्सीजन का उत्पादन शुरू करने की गल आखी गई है। श्री आनंदपुर साहब तो विधायक ते पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा KP सिंह ने भी BBMB के अधिकारियों नूं मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह वड्डी गल है कि नंगल दे विच BBMB दे इस प्लांट दे विच आक्सीजन का उत्पादन होना शुरू हो गया ते हुण जिला रूपनगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। विरासती शहर पटियाला दे व्यापक विकास नूं यकीनी बनाउण दे यतनां वजों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर नूं 468 करोड़ दी लागत वाले नहरी पानी ते आधारित जल सप्लाई प्रोजैक्ट दे काम विच होर तेजी लियाउण लई आख्या, तां कि शहर वासियां लई पीण वाला साफ पानी मुहैया करवाउणा यकीनी बनाया जा सके। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने शहर दे आले दुआले दीआं कलोनियां नूं भी स्कीम दे दायरे हेठ लियाउण लई योजना तैयार करन दे निर्देश दित्ते ने। उन्हां ने संबंधित विभागां नूं नहरी पानी ते आधारित जल सप्लाई, नवां बस अड्डा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, छोटी ते वड्डी नदी दे कायाकल्प तो इलावा विरासती लांघे नूं भी नवी दिख समेत चल रहे प्रमुख प्रोजैक्टां नूं तेजी नाल मुकम्मल करन लई आपसी तालमेल नाल काम करन लई आख्या। केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 खेती कानूनों के विरोध में चल रहे किसानी संघर्ष के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा वालों दी गई कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों वालों काले झंडे लहराए गए। इसी कड़ी के पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह ने भी नंगल विखे अपनी रिहायश से सब तो पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण अपनी रिहायश विखे पवाए और श्री सुखमनी साहब जी के पाठ भी करवाए। राणा कंवरपाल सिंह ने काला झंडा भी लहराया। इस मौके उन्होंने कहा कि किसान लगातार 6 महीने तो संघर्ष कर रहे हैं, इस 6 महीने के संघर्ष के बहुत सारे किसानों ने शहीदियां प्राप्त कीतियां ने। इन्हां किसानों दी शहीदियां नूं सजदा करन दे लई ते विछड़ी रूहां दी आत्मा दी शांति लई उन्हां वल्लों अपने ग्रह विखे श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ करवाए गए ने।
जिहड़ा संघर्ष चलता है इनू पूरे 6 महीने हो गए ते संयुक्त किसान मोर्चे ने अज काल दित्ती सी कि सारे देश के अंदर काला दिन मनाया जाए। असी उहदे तहत अज अपने निवास ते मैं गुरु महाराज का प्रकाश करवा के सुखमणी साहब का पाठ करवाया और वो जिहड़े शहीद होए है रैली मोर्चे च बहुत सारे किसान अपनी जाना दे बैठे इस मोर्चे नूं फतेह करन वास्ते उन्हां दी आत्मा वास्ते अरदास कीती है कि गुरु महाराज रहमत करन बख्शिश करन जिहड़े लोग गुजर गए उन्हां नूं अपने चरणां च निवास देण। किसान संयुक्त मोर्चे वालों ब्लैक डे नूं लैके 7 फेस मोहाली दियां लाइटां ते मोदी दा पुतला फूकिया गया। उधर श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे आगू बब्बी बादल ने पत्रकारां नाल गल कीती ते उन्हां आखिया कि मोदी सरकार नूं ए तीनों काले कानून छेती वापस लैने चाहीदे ने तां जो किसान अपने घर वापस आ सकन। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिते गए सद्दे तहत जलंधर च किसानों ने रोस प्रदर्शन किया जिस दौरान उन्होंने काले झंडे फड़ के मोदी सरकार का पुतला फूकिया ते नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि दिल्ली दियां बरूहां ते बेशक उन्होंने 6 महीने हो गए ने पर उन्होंने जोश मठा नहीं पिया। खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिए गए सदे तहत कस्बा जोगा रला अकलिया अलीशेर पिंडा विच वख-वख किसान ते मजदूर जथेबंदियों ने रोस मार्च कढ़िया अते केंद्र सरकार के पुतले फूक के रोस मुजहरा किया। उत्थे ही पिंडा विच लोगों ने अपने घर उपर काले झंडे लहरा के भी अपना रोस प्रगट किया। पिछले 6 महीनों तो दिल्ली दियां सरहदां ते काले खेती कानूनां खिलाफ अते होर किसानी मसलियां दे हल लई मोर्चे ते बैठे किसानां नूं हर एक वर्ग अते भाईचारे वल्लों भरवां समर्थन दित्ता जा रहा है। इसे तरह दा एक अनोखा समर्थन रायकोट इलाके दे पिंडां विच 26 मई नूं वेखण नूं मिलिया जिथे एक व्यक्ति नूं अग वराउंदी धुप अते सखत गर्मी विच साइकल ते काला झंडा बन के संयुक्त किसान मोर्चा वल्लों 26 मई नूं दिल्ली मोर्चे दे 6 महीने पूरे होण मौके देश भर विच काला दिवस मनाउण संबंधी दित्ते प्रोग्राम दा प्रचार करदिआं देखिआ गया। गल करदे उस व्यक्ति मास्टर दर्शन सिंह ने दसिया कि केंद्र दी मोदी सरकार वालों लियांदे गए तीन काले खेती कानूना कारण देश दा पूरी तरह उजाड़ हो जाएगा। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी दे जथेबंदी ढांचे दा वादा करदे एक सीनियर मीत प्रधान ते जनरल सकत्तर ते 36 मीत प्रधानां दा ऐलान कीता है जिस दे विच इतिहासिक नगरी श्री आनंदपुर साहिब तों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर भाई अमरजीत सिंह चावला नूं श्रोमणी अकाली दल दा मीत प्रधान चुणिया गया है। अकाली दल दे स्थानक आगुआं ने भाई अमरजीत सिंह चावला नूं लड्डू खवा के वधाई दित्ती। उत्थे पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल डॉ दलजीत सिंह चीमा दा धन्नवाद कीता। भाई अमरजीत सिंह चावला ने कहा कि अपनी ड्यूटी तनदेही नाल निभाउणगे। सब तो पहला अपने मानयोग प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल दा अते सरपंच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिन्होंने मैनू श्रोमणी अकाली दल विच लैके बहुत बड़ियां जिम्मेवारियां विच दी मैनू लंघाया मैं उन्हों का बड़ा धन्यवाद करदा। जिथे उन्होंने नाल साढ़े बहुत ही मानयोग डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा जो साढ़े इस सारे इलाके की देख रेख करते हैं श्रोमणी अकाली दल के बतौर मुख आगू वजो उन्होंने मैं धन्यवाद करदा जिन्होंने दस दे सिरे मुड़ जिम्मेवारी पाई है। पहला भी श्रोमणी अकाली दल ने मैनू जिवें भी कोई सेवा दिती मैं अपना पूरा यतन किया कि मैं उस जिम्मेवारी पूरी तरह निभा सकां।
क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बहुत वड्डी एक वो पार्टी है जिहड़ी हर वेले अपने पंजाब दे लोकां दे दुख सुख दे विच जिहड़ी है वो शरीक हुंदी है। अज बहुत वड्डियां चुनौतियां समाज नूं अते बहुत राजनीति दे विच निघार आ चुका। लोग राजनीति नूं प्रोफेशनल तौर पर एक बिजनेस के तौर पर वरत रहे हैं। उस समय केवल तो केवल मैं समझता कि श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है जो लोग महसूस करते हैं जो कि सरकार नूं 4.5 साल हो चले आ कि अज कोई लोगों की बांह फड़न वाला नहीं रहा। आ करोना महामारी के सारिया सरकार चाहे केंद्र की सरकार है चाहे पंजाब की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार बड़ा रौला पाती सी आम पार्टी वाले सारिया का एन जो भी हीर प्याज जरा वह नंगा हो गया सारे का पता लग गया कि किन्ने किन्ने पानी च है। कबीर संत मुए क्या रोईए जो अपने ग्रह जाए। गुरुद्वारा टिकाणा साहिब पंजाबी बाग दे महानते भजन बंदगी वाली रूह सतिकारयोग महंत हरबंस सिंह जी जिन्हां ने संगतां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जोड़न नूं पहल दी ओ गुरु चरणां विच जा विराजे सन। उन्हां दी मृतक देह दा अंतिम संस्कार अज सवेरे 11 बजे पंजाबी बाग शमशान घाट विखे गुरमत समागम अनुसार होवेगा। उन्हां दे सचखंड प्याने नूं लै के दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका पटना साहिब प्रबंधक कमेटी दे प्रधान अवतार सिंह हित श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान परमजीत सिंह सरना हरविंदर सिंह सरना अदारा चढ़दी कला वालों सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते अमृतपाल सिंह दर्दी ने महंत हरबंस सिंह जी दे अकाल पियाने नूं समुचे पंथ लई वड्डा घाटा दस्सिया। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल च कोविड वार्ड ICU दा दौरा कीता गया जिस दौरान डॉक्टर सिमरत कौर ने मरीजां दी सेहत दी जांच कीती। इस मौके इलाज अधीन मरीजां ने रजिंद्रा हस्पताल दे इलाज प्रबंधां दी शलाघा कीती। पटियाला पुलिस नूं उस समय वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस की टीम ने जाली करंसी बनाउण वाले गिरोह नूं काबू कीता। SSP संदीप गर्ग ने दस्सिया कि 2 लाख की जाली करंसी ते जाली पटियाला पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस की टीम ने जाली करंसी बनाउण वाले गिरोह नूं काबू कीता। SSP संदीप गर्ग ने दस्सिया कि 2 लाख की जाली करंसी बनाउण वाला साजो समान भी बरामद किया गया। SSP ने कहा कि पटियाला पुलिस वालों इस गैंग के मास्टरमाइंड जसवीर सिंह जस्सी समेत 3 होर मैंबरां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पटियाला पुलिस नूं अज एक वड्डी सफलता मिली जदों जाली करंसी बनाउण वाला एक गैंग जिहड़ा हैगा वह गिरफ़्तार किया गया। इस गैंग दे 4 मैंबर जिहड़े गिरफ़्तार कर ले गए हैं। ये जाली करंसी बनाते सी ते भोले भाले लोगों विच वह करंसी जिहड़ी सीगी वह डिस्ट्रीब्यूट कर देंदे सी वंड देंदे सी कुछ खरीद लैंदे सीगे जिस नाल ये करंसी जिहड़ी सर्कूलेशन च आ जांदी सी। इस गैंग का जिहड़ा मास्टरमाइंड है जसवीर सिंह जस्सी उहनूं गिरफ़्तार कर लिया गया है प्लस उहदे नाल उहदे 3 साथी जिहड़े है वह भी गिरफ़्तार कर ले गए हैं। जसवीर सिंह ते पहलां भी जाली करंसी बनाउण दा एक परचा है ते हुण इस दी गिरफ़्तारी दे नाल नाल करीब 2 लाख रुपए जिहड़ी जाली करंसी है वह भी बरामद हुई है अते एक प्रिंटर जिहदे नाल इह जाली करंसी नूं छापदे सी वह भी बरामद होया है। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।